हेलो हैटी फैमिली, वेलकम बैक टू हैटी लाइफ ब्लॉग्स। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा की आप सबको ढेरों बधाइयाँ। बहुत बहुत खुशी से ये त्यौहार मनाए और हम भी त्यौहार की तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं। यहाँ फॉल का सीजन है तो सूरज थोड़ा लेट आते हैं और जल्दी रात हो जाती है। मैं इस ब्लॉग की शुरुआत बहुत पीछे से कर रही हूँ। 17th को जब नमस्ते स्टॉकहोम हुआ था, उसी दिन हम बाहर निकले थे तो थोड़ी देर बारकेवी हो आए। बारकेवी में बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर हमें अच्छे डिस्काउंटेड रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ मैंने देखा कि कुछ रीडिंग ग्लास लिखा था पर नंबर्स भी हैं, और ये फ्रेम है या फिर इसमें पावर है ग्लास में, मुझे पता नहीं चला। अगर आप में से किसी को ये पता है कि ये पावर ग्लासेस हैं या फिर ओनली फ्रेम्स, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। फ्रेम अगर यूज करें तो बहुत अच्छे फ्रेम है। और कुछ देर के लिए हम डॉलर स्टोर भी हो आए। यहाँ पर जब भी जाते हैं थोड़ा जल्दी ही जाइएगा, 6 बजे यहाँ पर स्टोर बंद हो जाते हैं। और बस थोड़ा बहुत कुछ सामान लेकर हम जल्दी घर आए। बच्चों के पाँव इतने जल्दी लंबे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट में शूज वहां पर मिल जाते हैं। और ये मैंने डॉलर स्टोर से कुछ ब्रेकफास्ट बाउल लिया था, इसे मैंने गर्म पानी में रख दिया है ताकि ये जो स्टिकर है वो आसानी से निकल जाए। कुछ देर ऐसे रख देते हैं तो क्लीन हो जाता है, घिसना नहीं पड़ता। और डॉलर स्टोर जाए तो चॉकलेट और कुकीज तो बनते ही है, ये सब टी टाइम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और इतना सारा चॉकलेट एक साथ ख़त्म नहीं होगा, महीने चलेंगे। ना तो बेटा बहुत ज़्यादा मीठे का शौकीन है ना तो हम, तो धीरे धीरे खाने के बाद थोड़ा बहुत मीठा खाने के लिए अच्छा है। और ये लास्ट सैटरडे की बात है जहाँ आफ्टर लंच हम त्यौहार के लिए कुछ सामान लेने गए थे। ये कुछ मैंने एक करी बनाया था, राइस एंड फ्राइड दाल बनाया था, दाल फ्राई। बस लंच करके हम लोग ये निकल गए सिस्ता गैलेरिया से कुछ सामान लेने के लिए। सिस्ता गैलेरिया जाते हैं तो सिस्ता ग्रोसेन, लिडिल, आइका ये सब हो आते हैं। नॉर्मली स्कूल के लिए जो चीजें चाहिए वो सब बच्चों की चीजें अच्छे से वहां पर मिल जाते हैं। यहाँ पर टीचर्स ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वेयर ही स्पोर्ट्स डे में पहनाए। तो बस वो सब चीजें लेकर हम झटपट घर आ गए। और आते आते देखिए, इस टाइम का मौसम बहुत अच्छा होता है, जब पेड़ पौधे सब कलरफुल हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और ज़्यादा गर्म नहीं। मतलब अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इसी सीजन में आइए, समर या फिर फॉल में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो या मौसम के साथ एडजस्ट करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। जो भी स्टॉकहोम आए या फिर स्वीडन आएगा,
वो नेचर की वजह से यहाँ स्टिक हो जाएगा। जी हाँ, कलरफुल ट्रीज, फॉल हो, स्नो हो या फिर समर, सारे के सारे मौसम यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए, जब हम नए नए आए थे तभी थोड़ी देर चल के ही, नहीं मैं और नहीं चल सकता, मेरे पैर दुख रहे हैं, ऐसे नखरे करता था, और अब ये स्कूल से घर तक 3 मिनट में पहुंच जाता है। आदत की बात है। और ये कुछ सामान हम उस दिन सब करके लाए थे, त्योहार आ रहा है तो कुछ कुछ चीजें जरूरी हो जाते हैं, और ये स्कूल के लिए ये तो हर साल लेना पड़ता है। ठंड शुरू हो तो उस टाइम पे ग्लोव्स पहना के ही बच्चों को भेजें, और इस तरह के शॉर्ट्स या फिर टी शर्ट्स स्पोर्ट्स वेयर के लिए जरूरी बोलते हैं। इंडोर गेम्स के लिए भी बच्चों के लिए चाहिए। और ये कुछ रुस्ता में मुझे मिला, बहुत अच्छे से मैट्स मिले हैं, और मेड इन इंडिया है तो देखते ही हम ले आए। और ये कुछ आने वाले ठंड के मौसम के लिए थ्रू, अगर आप हैंड और फीट के लिए कुछ लाना चाहते हैं तो ओ कैफे का जरूर लाए, ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि इंडिया से ही हम डव और निविया का ही यूज कर रहे हैं, और तीनों एक ही चीज यूज करते हैं, मेरा कुछ स्पेशल ऐसा लोशन या कुछ सोप ऐसा कुछ नहीं है, तो हम डव और निविया का ही सब लोग यूज करते हैं। और देखिए मुझे क्या मिला, इस तरह के नीडल्स, सिस्ता ग्रोसन में थ्रेड, नीडल सब कुछ मिल जाता है। और ये मोटे मोटे नीडल्स मुझे चाहिए थे, पतले नीडल्स तो मेरे पास हैं, पर ये जैसे ही मैंने देखा मैं ले आई। और आने वाले त्योहार के लिए कुछ कुछ चीजें, हम जब भी जाते हैं ग्रोसरी, वेजिटेबल्स या फिर कपड़े सब एक साथ ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकती बाहर, थोड़ा मुझे पैर में भी प्रॉब्लम है। तो हेल्थ को देखते हुए हम एफर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा चलना फिरना। और मैं यहाँ पर अनसल्टेड बटर ले आई हूँ, यहाँ स्वीडन में अनसल्टेड बटर को कुकिंग बटर या फिर ओ सल्तात कह के लिखा हुआ होता है कहते हैं, या फिर लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप अगर स्टोर में किसी को पूछ लेंगे तो वो ज़रूर आपको हेल्प कर देंगे। और ये पोलर ब्रेड, ये बेटे को बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा होता है, और इसके ऊपर या फिर सैंडविच बनाकर आप अगर बटर चीज़ या फिर थोड़ा सा न्यूटेला लगा दें तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ 24 मंथ का यहाँ हमें मिल जाता है, रेट कंपैरिजन अगर करें तो ज़रूर ज़्यादा ही होगा इंडिया से, पर फिर भी लाना तो है। इंडिया की सारी चीज़ें और मसाले मिल जाती हैं, ये बड़ी बात है। और ये कुछ गरम मसाला, और ये बर्डसाई चिली बहुत तीखा होता है इसलिए देख कर यूज करना पड़ता है। कुछ बेकिंग पेपर, राइस, ये सब जरूरी चीज़ें जो कि हर घर के लिए चाहिए, वो सब कुछ। और अभी संडे के दिन है तो संडे की शुरुआत में मॉर्निंग से कुछ फ्रूट्स के साथ ही करती हूँ। नॉट ओनली संडे, मैं हर दिन सुबह पहले कुछ फ्रूट्स ही ले लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट। और इस संडे हम कुछ देर के लिए स्वाध्याय केंद्र जा रहे हैं। वैसे तो मैं रेगुलर नहीं जा पाती, हस्बैंड और बेटा जाते हैं, PSK या फिर बाल संस्कार केंद्र, और SK या फिर स्वाध्याय केंद्र जहाँ पर गीता पाठ होता है, हम खुद ही गीता पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा सा एक माहौल है जहाँ पर बहुत सारे इंडियन आकर जमा होते हैं, और उस वक्त को, उस टाइम को सदुपयोग करते हैं। रास्ते भर ये कलरफुल ट्रीज देखते देखते हम
पहुंच जाएंगे। एक हॉल बुक किया जाता है जहां पर हम सब मिलकर जमा होते हैं और वहां हम थोड़ा बहुत गीता का श्लोक पढ़ते हैं। कुछ देर गुरुजन की वाणी सुनते हैं, कुछ दोस्तों से मिलते हैं और मेरे हिसाब से ये ऐसी जगह है जो कि अपने लिए कुछ करने का मौका देता है। हम हमेशा सुबह उठते ही परिवार के लिए लग जाते हैं, या फिर पढ़ाई में, या तो ऑफिस के काम में, या फिर घर के काम में, पर कुछ देर शांति से अपने लिए टाइम निकालने का मौका हमें इस तरह के केंद्र से ही मिलता है। यहाँ पर आपको हर कोई खुले मन से स्वागत करता है और ये ऐसा केंद्र है जहाँ पर आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। मैं तो ये कहूँगी कि ये 1 आवर का पावर पैक प्रोग्राम है जहाँ पर पढ़ो को मन की शांति मिलती है, दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है और बच्चे अपने दोस्तों से मिलने का मौका पाते हैं। उनमें ऐसे संस्कार भरा जाता है जो कि जीवन मूल्य समझाता है, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए वो समझाता है। हम पेरेंट्स घर में उनको बार बार ये सब चीज़ें सिखाते रहते हैं, पर जब बच्चों के साथ या फिर हम उम्र बच्चों के साथ उन्हें ये सब सीखने का मौका मिलता है तो बहुत जल्दी इसे सीख लेते हैं। यहाँ पर हर कोई आ सकता है। अगर आप में से कोई आना चाहता है तो फिर प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। स्वाध्याय केंद्र के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना हो तो फिर मैं कोशिश करूंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं अपने बड़ों से पूछ के आपकी जरूर मदद करूंगी। तो बस संडे का ये पावर पैक प्रोग्राम करने के बाद हम फिर वापस घर आ गए, पर ये हम सेस्ता गैलेरिया के पास थोड़ा सा अटके, थोड़ा बहुत काम बाकी था और एक बार बाहर निकलते हैं तो सारे काम निपटा के ही घर आते हैं। हम इस तरह गैलेरिया के पास उतरे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेकर जाना था आने वाली पूजा के लिए। ओडिशा में बहुत ज़्यादा दुर्गा पूजा एक बड़ा सा त्यौहार या फिर फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। हम चाहे जहाँ भी हों, जैसे भी रहें, हमें अपने कल्चर को एंजॉय करने का छोटा छोटा मौका ढूंढ ही लेना चाहिए। चाहे आप कहीं जा भी ना पाए, घर में ही रहे, पर वो त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो बस इसकी छोटी सी एक कोशिश हम घर बैठे भी करेंगे, कुछ अच्छा अच्छा खाना या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताना। देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम होता है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। बाय बाय।